हाय गाइस, माय नेम इज श्रीराम एंड वेलकम टू द डोपिंग टेक। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आज मेरा बर्थडे भी है। और हाँ, आज जिसका भी बर्थडे है उन सभी को हैप्पी बर्थडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी एटीएम कार्ड को तो यूज़ ही करते होंगे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे या फिर डेबिट कार्ड यूज़ करते होंगे। कितने बार आपने यूज़ भी किया होगा, मतलब डेली लाइफ में हम उसको आज के लाइफ में हम डेली उसको यूज़ करते हैं। पर क्या कभी आपने उसके वो छोटे से कोने पे एक लिखा रहता है, क्या अभी उस पर ध्यान दिया है वो क्या होता है? वहाँ पे लिखा रहता है वीज़ा, मास्टर कार्ड या फिर रुपए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए होता क्या है? ये एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू हम पूरा पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे क्या होता है, जैसे हम अगर किसी के लिए ट्रांसफ़र करते हैं या फिर किसी को पे करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे हम पे करते हैं तो अपने बैंक अकाउंट से उसको निकालना पड़ता है और दूसरे के बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है। मतलब जैसे आपने एक फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से या फिर कहीं पर भी अगर आपने कार्ड स्वैप किया तो क्या होगा, इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में से वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और दूसरे के बैंक, जिसको भी आप पैसे सेंड कर रहे हो या फिर कोई चीज़ परचेस किए, तो उसी के बैंक अकाउंट में जाके वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस टाइम पे जो भी वो ट्रांजैक्शन होता है बिहाइंड द सीन्स, तो उसको सिक्योरली ट्रांसफ़र करने के लिए पेमेंट गेटवे हम यूज़ करते हैं। तो फिर ये पेमेंट गेटवे में डिफरेंस क्या है, वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपये में डिफरेंस एक्चुअल में क्या है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड की। वीज़ा और मास्टर कार्ड ये पेमेंट गेटवे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। या मतलब अगर आप वीज़ा और मास्टर कार्ड अगर यूज़ कर रहे हो, कोई भी हो, या फिर डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेशनली भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 200 से ज़्यादा कंट्रीज में वीज़ा और मास्टर कार्ड चलते हैं। पर आखिर फिर रुपये क्या है? तो रुपये भी एक पेमेंट गेटवे है, पर ये एक अपना इंडिया का पेमेंट गेटवे है, एक डोमेस्टिक पेमेंट गेटवे है जिसे हम अपने इंडिया में ही यूज़ कर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल बच जाता है कि हम कौन सा पेमेंट गेटवे यूज़ करें, वीज़ा, मास्टर कार्ड या फिर रुपए। अगर आप सिर्फ इंडिया के बारे में अगर सोचते हो, अगर आपका सिर्फ ट्रांजैक्शन इंडिया में ही है, तो आप डेफिनेटली रुपए ही यूज़ करो। पर क्या होता है, कई बार हम बैंक में जाते हैं एटीएम कार्ड इशू करने के लिए, तो बैंक क्या करती है, वीज़ा और मास्टर कार्ड दे देती है। हम उनको अगर पूछे तो रुपए भी मिल सकता है, हमको सिर्फ पूछना पड़ेगा। या फिर अगर आप जनधन योजना के थ्रू जो हमारे गवर्नमेंट में लॉन्च किया है, तो अगर उसमें आप अकाउंट खोलते हो तो आपको एक डायरेक्टली रुपए कार्ड मिलेगा, वो प्योरली इंडिया बेस्ड रहेगा। तो जैसे ही आपको रुपए कार्ड मिलता है, वो उसका जो पेमेंट गेटवे रहेगा, मतलब जो भी आपको कार्ड मिलेगा वो रुपए पेमेंट गेटवे से ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड की, तो ये जो पेमेंट गेटवे है इंटरनेशनली इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इस टाइम में क्या होता है, जैसे हम इंडिया में अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होती है, यह हमको पे नहीं करना पड़ता। ये जो चार्जेस होते हैं ये बैंक पे करती है उन पेमेंट गेटवेज को, जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस टाइम पे। पर अगर हम उसी टाइम पे अगर रुपए कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर रुपए कार्ड का पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है, ये जो रुपए पेमेंट गेटवे है अपने डोमेस्टिक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो रुपए पेमेंट गेटवे के चार्जेस है वो बहुत कम है। तो क्या होगा, बैंक जैसे आपको रुपए कार्ड देती है तो बैंक को भी कम से कम चार्ज पे करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको रुपए कार्ड पे ऑफर्स भी ज़्यादा मिलते हैं। अगर कहीं आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो वहीं पे भी आपको कुछ परसेंट में डिस्काउंट मिलता है। बहुत जगहों पे आजकल सेल चल रहे हैं, तो अगर रुपए वहाँ पे लिखा रहता है तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। तो ये स्पेशल डिस्काउंट इसलिए मिलता है क्योंकि वो रुपए पेमेंट गेटवे का जो चार्ज है वो बहुत ही कम है। और अगर हम रुपए पेमेंट गेटवे अगर रुपए कार्ड अगर यूज़ करते हैं, तो हम अपने ही देश के इकोनॉमी स्ट्रांग बनाने में और ज़्यादा अच्छे से मदद कर पाएंगे। तो ये रुपए पेमेंट गेटवे किसने इंट्रोड्यूस किया, रुपए पेमेंट गेटवे जो है, जो रुपए कार्ड है, ये इंट्रोड्यूस किया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक इंडियन कंपनी है। ये जो NPCI है ना, ये पूरे रिटेल ट्रांजैक्शन जो भी अपने इंडिया में, पूरे इंडिया में जितने भी एक दिन में होते हैं या फिर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके, ऑनलाइन रहे या फिर पॉस मशीन पे रह गए, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन पे, या फिर ATM से आप पैसे निकालते हो या फिर किसी को आप पैसे भेज रहे हो, तो जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको वो मॉनिटर करता है। ये NPCI का काम है। तो NPCI ने सोच के ऐसा एक पेमेंट गेटवे क्रिएट किया जिसको हम भारत में, मतलब इंडिया में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें पता चल गई होंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू हैव एनी सजेशन और क्वेरी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड वन मोर टाइम हैप्पी दिवाली, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।